हेलो हाय, कैसे हो आप सभी लोग। आप सबको मैं फिर से स्वागत करता हूँ। क्लास नाइन्थ का ये जो साइंस का चैप्टर है जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीजें प्रेजेंट है वो सब प्योर है या फिर प्योर नहीं है, मतलब इम्प्योर है। ठीक है, देखो हम जिस जगह रहते हैं That is called our surrounding. That is called our environment. हम जहां पे रहते हैं उसे हम कहते हैं environment और surrounding हम कहते हैं। और हमारा जो surrounding होता है ये दो चीजों से बना होता है, एक को हम बोलते हैं matter और दूसरा को बोलते हैं हम energy। ठीक है, matter हम किसे कहेंगे? Anything that occupies space, that is called matter. अगर कोई चीज उसे कुछ रहने के लिए कुछ जगह की आवश्यकता होती है तो उसी चीज को हम कहेंगे मैटर। अगर कोई चीज बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना हो, अगर कोई चीज बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना हो तो हम उसे भी कहेंगे मैटर। अब जैसे कि मान लो कि आपके पास एक चौक है, ठीक है, जैसे कि आप ले लो कि ये एक चौक है, अगर मैं इस चौक को ग्राइंडिंग करूंगा तो मुझे चौक पाउडर मिलेंगे, जिससे मैं एक एक पाउडर को एक एक पार्टिकल कहूंगा। तो एक एक पार्टिकल मिलके ये जो चौक है इसी चौक को बनाए हैं, तो इसीलिए मैं इस चौक को कहूंगा मैटर। ठीक है, तो मैटर का डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर, और एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैटर। लाइट को, साउंड को, ग्रेविटी को, इसको हम मैटर नहीं कहते, क्योंकि इसे रहने के लिए जगह की आवश्यकता नहीं होती है और ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना भी नहीं होता है, सो दैट्स वाई दीज आर नॉट कॉल्ड एज मैटर। ठीक है, और जो हमारा मैटर होता है इसको हमने दो क्लास में डिवाइड किया हुआ है, एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। मैटर को हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, एक भाग होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा भाग होता है आपका मिक्सचर। तो ये प्योर सब्सटेंस क्या है और मिक्सचर क्या है, चलो इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। जैसे यहां पर मैंने प्योर सब्सटेंस लिखा हुआ है और जो मिक्सचर है मिक्सचर को मैंने इम्प्योर सब्सटेंस का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस हम किसे कहेंगे? जो प्योर सब्सटेंस आपका होगा वो सिर्फ एक तरह का पार्टिकल से बना होगा। जो प्योर सब्सटेंस है उसमें एक तरह के पार्टिकल्स आपको मिलेंगे, जैसे कि ये आप गोल्ड देख सकते हो मेरे फिंगर में है, ये गोल्ड एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि अगर आप गोल्ड को ग्राइंडिंग करोगे तो आपको गोल्ड के पार्टिकल्स मिलेंगे। आयरन भी एक प्योर सब्सटेंस होता है, क्योंकि अगर आप आयरन को अगर आप ग्राइंड करोगे तो आपको आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। अगर सिल्वर को आप ग्राइंडिंग करते हो तो आपको सिल्वर के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, तो दैट्स वाई गोल्ड, सिल्वर ये सब होते हैं प्योर सब्सटेंस। और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। जो इम्प्योर होता है उसमें डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जैसे कि आपने पानी लिया उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, शुगर डाल दिया, इंक डाल दिया, तो ये हो गया आपका इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। ठीक है, और जो प्योर सब्सटेंस है उसके कंपोनेंट्स हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे आपने हाइड्रोजन लिया उसमें ऑक्सीजन को ऐड कर दिया और आपको मिल गया वाटर, सो वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम फिजिकली अलग नहीं कर सकते। फिजिकली का मतलब होता है उसको फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते, उसको हीट करके अलग नहीं कर सकते, उसको बॉयल करके अलग नहीं कर सकते, मगर यहाँ पे जो इम्प्योर सब्सटेंस है उसको हम फिजिकली अलग कर सकते हैं। मतलब आपने कुछ पानी लिया उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया तो आपको सॉल्ट वाटर मिल गया। अगर आप सॉल्ट वाटर को एवापोरेट कर देते हैं, थोड़ा सा गर्म कर देते हैं, तो जो पानी है वो वेपर में बदल के बाहर चला जाएगा और जो सॉल्ट पार्टिकल है वो उस वेसल के अंदर रह जाएगा।
तो आपने सॉल्ट वाटर को फिजिकली अलग कर दिया, जो इम्प्योर होता है वो फिजिकली अलग हो सकता है, मगर जो प्योर होता है वो फिजिकली अलग नहीं हो सकता। और जो प्योर सब्सटेंस होता है इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टी, इसका एक अपना ही प्रॉपर्टी होता है। जैसे हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी क्या है, ये आग जलाता है, ये खुद जल जाता है हाइड्रोजन, समझे कि नहीं। हाइड्रोजन खुद जलता है और ऑक्सीजन जलाने में मदद करता है, मगर जब हम हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हमको मिलता है पानी, जो आग को बुझाता है। बिल्कुल एक नई प्रॉपर्टी, अपनी एक नई प्रॉपर्टी बन जाती है, मगर यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता। अगर आप पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डालोगे और थोड़ा सा शुगर डालोगे तो आपको ये एहसास होगा कि पानी में सॉल्ट की प्रॉपर्टी बरकरार है और उसके साथ साथ शुगर की भी प्रॉपर्टी बरकरार रहती है, इसमें प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है, जो मिक्सचर होता है, उसमें प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो अभी तक के लिए यहां तक धन्यवाद दीजिए और अगला क्लास हम नेक्स्ट क्लिप में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।